खेतड़ी में अवैध हथियारों के साथ दो आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने दो देसी कट्टे किए बरामद। खेतड़ी पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बबाई क्षेत्र से अवैध हथियारों के साथ दो युवकों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से दो देसी कट्टे बरामद किए, जिससे वह क्षेत्र में वारदात करने की फिराक में घूम रहे। होली और धुलंडी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। होली का ये रंगों का त्यौहार हमारे क्षेत्र में खुशियां लेके आए और सभी भाई बहनों को खूब खुशियां मिले। सीआई विनोद साकला ने बताया कि एसपी मर्दुल कछावा के नेतृत्व सोशल मीडिया पर अवैध हथियारों के खिलाफ विशेष नजर रखी थी। पिछले कई दिनों से अवैध हथियारों के साथ फोटो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किए जा रहे थे, जिसको लेकर पुलिस की ओर से बनाए गए बदमाशों की निगरानी रखी जा रही थी। इसी दौरान थाना क्षेत्र के बबाई इलाके में जय महाकाल नाम के ग्रुप का नाम सामने आया। उनकी गतिविधियों की जाँच की तो कुछ युवकों द्वारा अवैध हथियार के साथ संदिग्ध पाई गई, जिस पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए सघन अभियान चलाया। इस दौरान जय महाकाल गैंग के बदमाश होशियार व अशोक गुज्जर के पास अवैध हथियार होने की जानकारी मिली। वह जल्द ही क्षेत्र में बड़ी कोई वारदात करने की फिराक में थे, जिस पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया। पुलिस को सूचना मिली कि अवैध हथियार रखने के आरोपी अशोक पुत्र महावीर गुज्जर ढाणी बचावाली व होशियार सिंह उर्फ नवाब पुत्र श्याम सुंदर मीणा निवासी बबई हथियार लेकर घूम रहे थे। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर तलाशी ली तो उनके पास अवैध रूप से देसी कट्टे पाए गए। इस दौरान टीम में सीआई विनोद साकला, एसआई बनवारी लाल, एचसी दिनेश कुमार चनेजा, मनोज कुमार, कांस्टेबल दिनेश कुमार, महावीर बलबीर राजवीर आदि शामिल थे। पुलिस मुख्यालय ने अवैध हथियारों के विरुद्ध तथा जो गंभीर अपराधों में संलिप्त हैं ऐसे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई का एक अभियान चला रखा, जिसके क्रम में श्रीमान आईजी साहब और एसपी साहब ने हमको निर्देश दे रखे कि जो भी इलाके में इस तरह के गंभीर वारदातों में संलिप्त अपराधी हैं उन पर प्रभावी कार्रवाई करें, साथ ही साथ जो भी अवैध हथियार रखते हैं उनके संबंध में तुरंत एक्शन लेते हुए उनको पकड़ा जाए। इस संबंध में कल हमको जानकारी मिली कि कोई बेचावाली का एक लड़का अशोक है, जो जय महाकाल ग्रुप जो इन्होंने बना रखा है, कई लड़के उसमें शामिल हैं और ये लोग अवैध हथियारों के साथ फोटो वीडियो वायरल करते हैं और साथ ही साथ कोई गंभीर वारदात कर सकते हैं। इसी के क्रम में कल हमने एक विशेष टीम श्रीमान एसपी साहब ने निर्देश दिए, उस पर हमने थाने की एक स्पेशल टीम गठित करके उन पर शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए। तो जो उन्होंने नाकाबंदी में सूचना मिली कि इसी तरीके से एक लड़का इधर से कट्टा लेके आ रहा था, जिसमें अशोक गुजर जो कि बेचावाली का लड़का है वो उसको हमने कट्टे के साथ वहीं गिरफ्तार किया। साथ ही साथ उसी के एक साथी जो ये दूसरी एक साथ में कोई वारदात करने की फिराक में थे, एक होशियार मीणा, उसको भी हमने भैरू घाट के पास उसको अवैध हथियार के साथ और एक कट्टे कारतूस के साथ गिरफ्तार किया।